पे अध्ययन किया जाएगा, रिसर्च की जाएगी और किस प्रकार से हम दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट, एक तरफ हमारी टेक्नोलॉजी है, एक तरफ जो डेटा हमें मिलेगा, उनको किस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे और पैसेंजर तक, पब्लिक तक हम पहुंचाएंगे। तो इसी प्रकार से ओपन ट्रांजिट डेटा, कुछ टाइम पहले जितनी भी हमारी क्लस्टर की बसें थी उनकी लोकेशन पैसेंजर अगर चाहे तो वो रियल टाइम लोकेशन देख सकते हैं। तो आज जितनी भी DTC की और जितनी भी क्लस्टर की जो बसें हैं वो सारी हम रियल टाइम उनकी लोकेशन देख सकते हैं। जो ये ओपन ट्रांजिट डेटा है, इसका जो पूरा प्लेटफॉर्म किस प्रकार से बनेगा वो भी इसी सेंटर फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी है, इसके द्वारा क्रिएट किया जाएगा। जो भी स्टार्टअप्स हैं जो और ऐप बनाना चाहते हैं, जैसे आज अगर हम बात करें तो लगभग 7 अलग अलग ऐप ओपन ट्रांजिट डेटा यूज़ करके वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप आप कह सकते हैं, कोलैबोरेशन आप कह सकते हैं, IIIT दिल्ली के साथ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट ने किया, हमारे साथ डायरेक्टर हैं प्रोफेसर अंजन बोस IIIT के, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट आशीष कुंद्रा जी भी साथ में हैं। तो इस बेसिकली जो ये पार्टनरशिप है इसका दिल्ली नॉलेज डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा 6.1 करोड़ की फंडिंग दी जाएगी। और ये जो सेंटर है, इस सेंटर का नाम रखा गया है सेंटर फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी। तो मोबिलिटी और उसको सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, किस प्रकार से पूरा जो हमारा दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसको किस प्रकार से एक वर्ल्ड क्लास के लेवल पे लेके हम आ सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम जब भी बात करते हैं तो सबसे इसलिए लगातार काफ़ी सालों से हर बार एक ही सवाल, चाहे वो मीडिया है चाहे पब्लिक है, एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि बसें कब आएंगी। लेकिन अगर आप पूरी बड़ी पिक्चर को देखें तो बसें ऐड करना दिल्ली की सड़कों पे एक उसका एक बहुत अहम और छोटा कंपोनेंट है। लेकिन किस प्रकार से हमारी बसें दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेंगी, किस प्रकार से बसों की सर्विस मिल पाएगी, किस प्रकार से उन बसों की जानकारी पैसेंजर को मिल पाएगी, किस प्रकार से हम उन बसों को और रिलायबल हम बना सकेंगे, किस प्रकार से वो बसें सही टाइम पे आ रही हैं उसकी जानकारी पैसेंजर को मिल पा रही है नहीं मिल पा रही, जब तक इन चीज़ों को पैसेंजर तक, पब्लिक तक नहीं पहुंचाएंगे, मैं नहीं समझता कि हम पूरा हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम वर्ल्ड क्लास कह सकते हैं। तो आज अगर हम बात करें सेंटर फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी जो ये पार्टनरशिप है, तो कुछ चीज़ें आज हम प्रेजेंट की हल करेंगे और कुछ चीज़ें जो हमें फ्यूचर के लिए चाहिए होंगी उनको हम हल करेंगे। ये पूरा जो सेंटर है ये IIIT में दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर स्टेशन होगा और इसमें टेक्नोलॉजी और डेटा का किस प्रकार से हम उनको एनालाइज करके, किस प्रकार से उन पर रिसर्च करके हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और किस प्रकार से बेहतर बना सकेंगे, इस पे लगातार काम किया जाएगा। अगर आपको मैं से छोटा सा एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग, जो हम ओपन टिकटिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, ये कुछ महीने पहले IIIT दिल्ली की कोलैबोरेशन के साथ ही पहली बार शायद देश में किस प्रकार से ETM पे ना रिलाय करके, कंडक्टर पे ना रिलाय करके, किस प्रकार से पैसेंजर अपने मोबाइल से ही वो टिकट खरीद सकता है, ये एक सपना था जिसको साकार बनाया ये IIIT दिल्ली की कोलैबोरेशन के साथ ही किया।
और आपको ये खुशी होगी जानकर कि आज लगभग डेली 70,000 जो टिकट्स हैं, 70,000 जो पैसेंजर टिकट्स खरीदते हैं वो कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग से ही खरीदी जा रही है। और अगर हम पूरे टिकटिंग की बात करें तो लगभग ये 6% से ऊपर इसका, अगर हम पर्सनली बात करें तो 6% से ऊपर ये आते हैं। तो इसी प्रकार से आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।